मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत। अगर आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आपको एलर्जी की समस्या लंबे समय से है और अगर आप एलर्जी का इलाज खोज रहे हैं तो इस वीडियो में 100% एलर्जी का इलाज बताया गया है और आप अपनी एलर्जी को 100% ठीक कर सकते हैं। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर बारीकी से समझिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो मेडिसिन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं वो शायद ही आपको कहीं मिले, और अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद वो जानकारी आप मिस कर दें, वो जानकारी आपको नहीं मिल पाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिससे आप अपनी एलर्जी की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपीएच विजमेस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में एलर्जी के इलाज के बारे में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। तो एलर्जी होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझनी होगी एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं, दूसरी चीज हमें ये समझनी होगी एंड तीसरी चीज हमें ये समझनी होगी कि पता कैसे लगाएं कि आपको ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर ये आपको पर्टिकुलर एलर्जी है। तो ये चीज हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को बहुत तेज खांसी होती है, बहुत ज्यादा उनको वलगम बनता है, जिन मरीजों को खांसते समय उनको गले में इरिटेशन होता है, या ऐसे मरीज जिनको हमेशा नाक से बलगम आने की समस्या, छींके आने की समस्या और हमेशा छाती में बलगम जमा रहता है, तो इस वीडियो में उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन, पर्टिकुलर इलाज बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमारी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, इसलिए ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की या कहीं भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा पहुंचा सके। सबसे पहले हम ये समझेंगे एलर्जी होता क्या है। एलर्जी को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। अगर मान के चलिए हमसे कोई लड़ जाए और हम उस एक व्यक्ति में एक थप्पड़ जड़ दें यानी कि एक चांटा लगा दें, तो अब क्या होने वाला है? क्या वो व्यक्ति शांत रहकर के उस चांटे को झेल सकता है या फिर वो हमारे ऊपर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा? बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एलर्जी का बहुत गहरा रिलेशन है इस बात से। कैसे? अगर हमने किसी एक व्यक्ति में थप्पड़ जड़ दिया तो बात समझने की कोशिश कीजिए, हमने उस व्यक्ति में थप्पड़ जड़ा है और वो व्यक्ति अगर हम में लौट करके दो थप्पड़ जड़ दे, इसका सीधा मतलब है कि उसने प्रतिक्रिया दी है। अब बात समझ रही है कि अगर हम किसी में एक थप्पड़ लगाएंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारे कम से कम दो थप्पड़ लगाने की कोशिश में रहेगा। अब अगर इसी प्रकार से एलर्जी हमारे शरीर के अंदर जाती है तो जब भी कोई ऐसी चीजें जो एलर्जेंस होते हैं या कोई खाने पीने की चीजें या जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, हार्मफुल है, तो या फिर सही होने के बावजूद भी हमारे शरीर उसे हार्मफुल समझ रहा है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करेगी। बात समझ रहे हो? देखिए, जब हमने किसी में थप्पड़ लगाया तो वो हमें दो थप्पड़ लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज जाएगी जो हमारे शरीर को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमारा शरीर के जो अंदर सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो प्रतिक्रिया करेगा। इसी को बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जी होना, राइट। इस बात को समझिएगा, एलर्जी का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार की एलर्जेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन। दूसरी चीज, इसे हम बोलते हैं एलर्जी। अब एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हो सकता है मरीज को छींके आना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है मरीज को बलगम बनना स्टार्ट हो जाए, बलगम जमना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है मरीज को लाल आंखें हो जाए, हो सकता है आंखों से पानी आने लगे, नाक से पानी आने लगे,
कई ऐसे मरीज होते हैं जिनकी छींकर रुकती नहीं है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको गले में खराश होने लगती है, टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है, गला खराब हो जाता है और फेफड़ों में उनको बलगम जमा हो जाता है, बलगम इकट्ठा हो जाता है। तो इसे कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं? अब यहाँ पर समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीजों को जब भी एलर्जी की समस्या होती है तो वायरल इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल, या फिर अगर कहें कि एलर्जी के अलावा कोई अदर इन्फेक्शन में कैसे डिफरेंस करें, कैसे पहचाने कि आपको वास्तव में एलर्जी है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होगी तो या तो वो सीजनल चेंजेस पे होगी, यानी कि मौसम चेंज होने पर, वेदर चेंज होने पर, क्लाइमेट चेंज होने पर। दूसरी चीज, अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो वो लंबे समय तक चलेगी, जैसे कि अभी हुआ और हो सकता है कि उसे 4 महीने, 6 महीने, 2 साल लग जाएं, उसको ये सिम्टम्स चलते रहेंगे अगर किसी मरीज को एलर्जी होगी तो। और अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। शॉर्ट टर्म यानी कि आज हुआ और 5-6 दिन में, 7-8-10 दिन में वो मरीज ठीक हो जाएगा। उसको हालांकि सिम्टम्स यही आएंगे, हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन मरीज को बुखार आए, ठीक है, हाथ पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, जुकाम खांसी ज़्यादा हो, ऐसी दिक्कत अगर किसी मरीज को आती है तो हो सकता है उस मरीज को वायरल इन्फेक्शन हो और वो 7-8-10 दिन में ठीक हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि या तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन था या फिर उस मरीज को वायरल इन्फेक्शन था। तो ये डिफरेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता चले कि आपको डिफरेंस ही पता नहीं है और आप लगे हैं एलर्जी की मेडिसिन खाने के लिए या फिर आप लगे हैं कॉमन कफ कोल्ड की दवाइयाँ खाने के लिए, तो ये दवा बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो जिन मरीजों को एलर्जी है वो लंबे समय से वो ग्रसित रहेंगे, उनके लक्षण जो हैं वो लंबे समय तक रहेंगे, आज स्टार्ट हुए, हो सकता है कि वो 2 महीने तक रहें, 3 महीने तक रहें। तो ये लक्षण अगर लंबे समय तक हैं इसका मतलब आपको एलर्जी है। अब अगर बात करें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, तो सबसे पहला वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज होने पर मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई मरीज ऐसा व्यक्ति है जिसको पोलेंस से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, या डस्ट माइट से एलर्जी है, परागकणों से एलर्जी है, या फिर ऐसे मरीज जिनको एलिमेंट पैट्स से जो हेयर होते हैं उनसे एलर्जी है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्यूम्स से एलर्जी हो सकती है, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्मेल से एलर्जी होती है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी की शिकायत जो है वो हो सकती है। तो पोलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, एनिमल पेट्स हेयर से हो सकती है, या खाने पीने की चीज़ों से होती है, डेयरी प्रोडक्ट से हो सकती है, सॉफ्ट टॉयज से हो सकती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं उनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो पर्टिकुलर एलर्जन उसे हम कहते हैं जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा कॉज होता है, कोई ऐसी चीज आती है जो एलर्जी हमें डेवलप कर देती है, तो उसे हम एलर्जन का नाम दे देते हैं। अब अगर बात करें मेडिसिन के बारे में, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनकी हेल्प से आप अपनी एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहली मेडिसिन है ट्यूबरक्युलिनम। ट्यूबरक्युलिनम मेडिसिन 200 पोटेंसी में 15 दिन में केवल एक बार आपको लेनी चाहिए। ये सभी प्रकार की एलर्जी में काम करती है, ज़्यादातर फेफड़ों की जिनको एलर्जी होती है, फेफड़ों से संबंधित जिनको परेशानी होती है, उन सभी में ट्यूबरक्युलिनम बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। 200 पोटेंसी 15 दिन में केवल एक बार 4 ड्रॉप्स आपको डायरेक्टली ग्लोबुल्स के साथ में आपको ले लेनी है। बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट्स आपको इस मेडिसिन के देखने को मिलेंगे। ये दवाई आपको कम से कम 5-6 महीने तक लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सोरेनम। सोरेनम 1 एम पोटेंसी बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। कैसी भी एलर्जी हो व्यक्ति को, कोई सी भी प्रकार की एलर्जी हो, सोरेनम 1 एम पोटेंसी महीने में केवल एक बार आपको लेनी रहती है। 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर आप इसे ले सकते हैं और ये दवाई आपको कम से कम 4-6 महीने तक लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी मेडिसिन होती है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम 200 पोटेंसी में दोस्तों आपको 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें शाम को आपको लेनी चाहिए। जिन मरीजों को किसी भी प्रकार की एलर्जी है, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे वो फेफड़ों की एलर्जी हो, यानी कि सीधा मतलब ये कि जिन लोगों को हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से समस्या बढ़ती है, उन लोगों के लिए हिस्टामिनम 200 पोटेंसी 4 बूंदें शाम को, 4 बूंदें सुबह आपको अगर लेंगे तो ये रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आपको देखने को
मिलेंगे। ये दवाई आपको कम से कम 2-3 महीने तक लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, यानी कि जिन लोगों को हाल ही में इन्फेक्शन हुआ है, जिन मरीजों को हाल ही में एलर्जी हुई है और उनको एक्यूट प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी की 2 बूंद शाम को, 2 बूंद दोपहर एंड 2 बूंद सुबह आप अगर लेते हैं, तो ये जो आपको एलर्जी की समस्या है बहुत अच्छे तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में एलियम सीपा, आपने देखा होगा एलियम सीपा का मतलब होता है प्याज से बनी हुई दवाई। प्याज, जब भी लोग प्याज काटते हैं तो उनको आंखों से आंसू आते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, तो एलियम सीपा की 2 ड्रॉप सुबह, दोपहर एंड शाम को 2-2 ड्रॉप्स आप लेंगे तो एलियम सीपा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों दवाइयों का अगर हम सेवन करेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप आपको रखना है, अगर आप दोनों मेडिसिन साथ में लेते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कैलकेरिया कार्व जो मेडिसिन है एलर्जी के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है, और इसके अलावा सावरडिल्ला बहुत अच्छे मेडिसिन है। इसके अलावा सल्फर, ये जो मेडिसिन हैं हर तरह के एलर्जी में काम करते हैं। सावरडिल्ला जो मेडिसिन है इसके अंदर पेशेंट के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज की एलर्जी जो है उसमें छींकें बहुत ज्यादा आएंगी, और नेट्रम्यूर का जो मरीज है उसको छींक से एलर्जी स्टार्ट होगी, यानी कि सबसे पहला जो सिम्टम्स होगा वो छींक का सिम्टम्स होगा, जबकि सावरडिल्ला जो मरीज है उस, यानी कि सावरडिल्ला का जो पेशेंट होगा उस मरीज को छींकें एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो उसको बंदी नहीं होगी और उसको कई बार हिकप्स भी आते हैं, तो सावरडिल्ला का जो मरीज है हिकप्स उस मरीज को आ सकती हैं, छींकें अगर उसको आना स्टार्ट होगी तो बंद नहीं होगी, ये सावरडिल्ला का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो सावरडिल्ला 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर एंड शाम को आप ले सकते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने अभी तक लास्ट तक देखा होगा। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए डिलीवर किया हुआ है और ये ऑथेंटिक साइंटिफिक डिलीवरेशन है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।